अभी मेरे साथ है शंकरगढ़ी के एक युवा, और युवा हैं ये, नाम है इनका प्रदीप। तो इनसे थोड़े से विचार लेंगे। आप पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करके छोड़ दी, बंद कर दी पढ़ाई। कितने तक पढ़े हैं? इंटर की है। इंटर की है, तो कहीं नौकरी वगैरह कुछ? नौकरी देखी कई बार, ना लगी। ना लगे तो मतलब आपको निराशा हाथ लगी? हाँ। तो जैसा कि अभी मोदी सरकार है जो कार्य कर रही है, उसमें आपको कुछ लाभ मिला है? मिली है, शौचालय। शौचालय मिला है। और जैसे उज्ज्वला योजना है? कुछ नहीं। सिलेंडर नहीं मिला है? कुछ नहीं। आपके घर में सिलेंडर है पहले से? कोई कनेक्शन नहीं। अब है या नहीं है सिलेंडर? नहीं है। नहीं है। तो आपने कभी किसी से प्रयास किया उज्ज्वला योजना के लिए? प्रधान जी से बोला था, तो प्रधान जी बोलते हैं कि नंबर नाम से आएगा। अच्छा। जब आएगा लिस्ट में नाम तो मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब उम्मीद है कि आ सकता है? उम्मीद है। अच्छा। आ सकता है तो हो सकता है। और जैसे कि बिजली कनेक्शन? बिजली कनेक्शन कराया है हमने। तो कौन से वाला है, फ्री वाला या पैसे वाला है? पैसे वाला है, मतलब पहले कराया था। हाँ। तो अगर मैं बात करूं बिजली की, तो बिजली कितने घंटे आ रही है आपके यहाँ? जो 18 घंटे बिजली आ रही है। तो इसका मतलब है ऊर्जा मंत्री आपके यहाँ के हैं, तो पूरा फायदा आप ही उठा रहे हो, हैं? वो तो है ही है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 2019 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो वैसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार सब में होता है, मगर कम है, देखने को तो कम है। तो और बाकी आपको क्या नजर आया है भ्रष्टाचार में? और जो है हमारे गांव में, हमारे दरवाजे पे ये खरंजा है, मोरी है, कम से कम उसको 10 साल हो गए बनवाते बनवाते, वो बनती नहीं है कभी। वो तो एक तुम्हारे गांव की समस्या है, और गांव की तो ऐसे ही गांव के प्रधान करेंगे ना के। हाँ जी सर। मेरे हिसाब से योगी और मोदी करें सर। तो ठीक है, आप मोदी और योगी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? अच्छा काम करे, दोबारा भी आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो अब की बार किसको वोट करेंगे आप? हम तो साहब हमेशा से चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को देते आए, चौधरी चरण सिंह को ही वोट देंगे। तो सरकार आप चाहते हैं मोदी की हो? हाँ। और हमारे यहाँ का विधायक लोकदल का होना चाहिए। अच्छा, मतलब विधायक लोकदल का होना चाहिए और सांसद भी लोकदल का होना चाहिए। तो जब सरकार से बाहर रह करके सांसद और विधायक रहेंगे तो वो क्या अच्छा काम कर पाएंगे? तो थोड़ा बहुत तो करेंगे साहब, ये तो हेमा मान लीजिए 5 साल होने को जा रही है, आज तक कभी देखा ही नहीं है। जब जैन चौधरी थे तो हमारे दरवाजे पर होके खरंजा भी आया, दूसरे गांव में भी हमने देखा तो लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे भी एक बोर्ड वो पत्थर की वो है स्टाम्प जो, उस पर लिखा हुआ है। तो यहाँ तो आज तक हेमा मालिनी हमने तो देखी नहीं, कहीं कहीं नजर ही नहीं आती है। कहने के लिए सुनने में आया है कि हेमा मालिनी जैन चौधरी से ज्यादा मथुरा वृंदावन में रही है। हाँ, मथुरा वृंदावन में रही होंगी, वो घूमी है, वो तो घूमती है। तो मथुरा वृंदावन में संसद में कितने दिन गई है वो? अच्छा, ये नहीं मतलब सांसद जी से आप नाराज हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कुल मिला के अब की बार सांसद जी को उखाड़ फेंकोगे? बिल्कुल जी, वोट नहीं देना बीजेपी को, मतलब ये है। अच्छा, बीजेपी को वोट नहीं? हाँ, यहाँ पे नहीं देना है। क्या नखलों के अंदर मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, दिल्ली के अंदर मोदी जी हो, अच्छी बात है, मगर मथुरा ये माट तहसील से है हमें तो। अच्छा, मतलब आपकी वोट जाएगी लोकदल को, पर चाहिए योगी मोदी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। बस जी, ओके, थैंक यू। जैसे कि एक योजना चल रही है ODF शौचालय बनाने की, घर घर शौचालय मोदी की योजना है, तो आपको उसमें लाभ मिला है? नहीं मिला है? नंबर आएगा प्रधान बता रहे हो, पर हमें कोई नंबर ही गलती आ रही है हम पासबुक में, वो पूरा ना है क्या रवि? तो मतलब कुल मिला के शौचालय आपको मिल जाएगा। अच्छा। तो और बाकी उज्ज्वला योजना में जैसे गैस है, वो उसमें कहीं राहत मिली है? गैस है वो लहरा की हमने, प्राइवेट अपनी पहले वाली है या आपकी है? प्राइवेट पहली लहरा की है। पहली ले रखी है? हाँ। तो जब पहले ले रखी है तो फिर तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो किन बातों से आप नाराज हैं योगी और मोदी सरकार से? हम तो यही तो नाराज है कि कागज बाजार छुट्टी बोल रहे हैं। मोदी योगी क्या अपने आश्रम से या कहीं से लेके आए थे? ना लेके तो हमें हमारे ही पर कि पहले कहूँ जाए वो तो रोक दिए। तो ये काम तो सराहनीय काम है ना, जो कटने से बच रहे हैं। कटने से तो बच रहे हैं, पर गौशाला खोली जाए तो कितना अच्छा है। तो उसके लिए क्या आपकी सोच क्या कहती है कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए? सरकार है गौशाला खोलनी चाहिए, वहाँ के चारे को प्रबंध तो जनता कर लिए।
जाते के कोई खिट्टे जाए। 2019 में किस तरीके से देखना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार बढ़िया ही देखेंगे। तो क्या चाहते हैं कि दोबारा से लौट के आनी चाहिए या कांग्रेस सरकार फिर लौट के आए? काम होना चाहिए, कोई सरकार आ जाए। नहीं, आपके विचार से मोदी सरकार कार्य कर रही है नहीं कर रही है? हमारी तो बढ़िया कर रही है। पिछली सरकारों पे बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो आपको कहीं नजर आता है कि इस सरकार पे भी कहीं भ्रष्टाचार? तो कोई ना है रो। जैसे कि आप, आपकी शौचालय मिला है आपको, तो उसमें आपसे किसी ने रिश्वत मांगने की कोशिश की? ना, पहले तो पहले ही कोई ना मांगे हम तो। अच्छा, पहले हमें मकान की को मिली गई, वहाँ में हम काऊ नहीं मांगे जो करे मोती का। गरीब आदमी नहीं पेल से न बधवावे कछु करे भलाई बुराई देखा मिलेगा। देखो, मोदी सरकार ने योजना चला रखी है, और आपने कभी प्रयास किया है कि हमारी पेंसिल बने? खूब कही है हम तो। कौन से कही है? जो प्रधान हो वही देखे। तो प्रधान क्या कहता है आपके लिए? कोई कह देखा इनकी उम्र नहीं बतावे, कोई हमारी उन्हें बतावे बताओ। तो ये तो फिर आपको उम्र के सर्टिफिकेट देके उनको बोलना चाहिए। हमें तो 2000 दे जाएगा मोती। 2000। और वोट किसको दोगे फिर? वोट किसको दोगे? वोट तू के वाई सी दे देंगे। नहीं, मेरे कहने से नहीं, आप अच्छी सरकार को देंगे या? अच्छी को ही देंगे। अभी सरकार ने शौचालय बनाने की योजना बनाई है, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? ऐसा पानी खराब होगा। पानी खराब होगा? हाँ। किस तरीके से? वो कताब आए वो पानी 36 के बोरिंग में जाएगा। अच्छा, तो आपको उससे सहायता मिली है नहीं मिली है? मिल तो गई, शौचालय मिला है आपको। हाँ। तो जैसे कि योगी सरकार और मोदी सरकार कार्य कर रही है, उससे आप कितने खुश हैं? ऐसा इतने खुश है, इतने खुश हैं मोदी योगी और राम कर ऐसो होगी होगी। हाँ, तो मतलब एक तरह से आपकी नाराजगी व्यक्त हो रही है। मोदी और योगी और राम कर जैसे होगी। लिख ले जो आपका सुनते। तो क्या चाहते हैं आप, 2019 में मोदी की सरकार दोबारा से बने या ना बने? ये कहा तो वोट दे कहा सब लगाएंगे तो होगा नहीं छुट्टी। तो आपका मत किसको जाएगा? मत पता है तो जब ही बताएंगे। अच्छा, मतलब अपना मत उजागर नहीं करेंगे? ना ना ना। अच्छा, और बाकी मोदी की योजनाओं से आप क्या कह सकते हैं? मोदी की योजनाओं सब्सिडी फुला रही है। अच्छा, गैया छोड़ रखी है किसानों को, कुछ सब गई फसलें खा रही है। गैया गैया किसने छोड़ी है? सरकार छोड़ रही है कि किसान? नहीं, गाय गाय कहाँ से आ रही है? योगी ने अपने आश्रम से इंतजाम करे ना, चार छह गांवों के बीच में गौशाला खुलवावे। हाँ, किस तरीके से इंतजाम होना चाहिए? हाँ। आपका विचार इस पे लेके, गाय गौशाला को लेके क्या विचार है? गांवों के बीच में कि गौशाला खुलवावे, मतलब एक ब्लॉक लेवल पे एक गौशाला खुल जाए। ब्लॉक लेवल पे तो कई खुलेंगी। आपने कभी प्रयास किया है गाय को गौशाला खुलवाने के लिए? कभी आपने 10-20 लोग इकट्ठे होकर आपने किसी प्रतिनिधि से बात की हो? अरे, हम तो खूब कर रहे हैं पर माने को है। जैसे कि अभी योगी और मोदी सरकार जो कार्य कर रही है उनसे आप खुश हैं? किसान तो खुश है ही नहीं सके। वो DAP के भाव कहाँ है, डीजल का कहाँ पहुँचा है, जो किसान तो मरे पूरे किसान का है। तो अभी तो डीजल सस्ता भी हो गया है, अभी उनको साफ हो कोई जब जरूरत पड़ी का किसान पड़ी जब परे बटन पे जताई ना जताई बवाई ना पे अब किसान जरूरत ना और क्षेत्र में हो जाए तो क्षेत्र में टूटे पड़े किसान बिल्कुल। अब ये बवाई में है वो काम करना ढाई मन बीघा। तो और जैसे फसल में धान और इनकी फसल हुई है उसके रेट वेट जो निकाले थे वो मिले हैं रेट? जो सरकारी बाजरा को 1900 को रेट निकाले, कोने मिले 1100-1200 से रेट मिले। मतलब सरकारी सेंटर पे नहीं खरीदे गए सही रेट? हाँ, ना खरीदे गए तो कोई ले वालो आए ना हमारे यहाँ तो कम दी ना है। तो सरकारी केंद्र तो बने होंगे ना? कोई ना बने हमारे यहाँ। अच्छा, और बाकी जैसे सरकार की योजनाएं चल रही हैं, शौचालय की है, गैस सिलेंडर की है और बिजली की है, इनको देख करके आपको क्या लगता है कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है? ना कर रही है, मैं मुँह यूँ ना लग रही तो गैस सिलेंडर को 1000 कर दो है भाई, जो मान के चलो हम पे 1000 रुपये न है तो हम तो तगा तो लेके आएंगे कहा पे 1000 रुपये खर्चा है हम पे। अब वह लेके आएंगे 1000 मूड मार देंगे दे देंगे भैया ले जाओ
अब वो कहेंगे कि आपको तुम्हारे खाते में ना आए तो हम पे तो टका दो, ये गजारो है वो। अभी लाइट आपके यहाँ कितने घंटे आ रही है? अब तो अंदाजा ना है, लाइट बाईस घंटा आ रही है, लाइट लाइट को बढ़िया आ रही है। मतलब कुल मिला के पिछली सरकारों को देख के आपके टाइम में लाइट फाइटर में ये का चीज हमें दे दो, ये बात का हेरो के साथ को तो मेन चीज तो गया के बी तो खास डीजल नहीं। और जो बुवाई के लिए जो बीज थे जो 3200 वाला रेट उन्होंने 1300 में दिया है, तो आपको लाभ मिला है उसमें? 3200 में वहाँ से बिलों को तो मिलेगा भी बीमारी है, पैसा किसान पे है ना, बिलों में तो कौन लेके 3200 के रेट के दाम पहले देने पड़ेगा, दाम पहले देने पड़ेंगे, पहले हटे हटे ना किसान पे बता किसान पे कहाँ है पैसा। गरीबों को जो सिलेंडर मिला है फ्री वाला, तो उसको देख करके आपको क्या लगता है वो सही दिया गया? गरीबों के संगम में तो है, एक योजना है आयुष्मान की जो 5 लाख तक का बीमा किया है गरीबों के लिए, तो उसको देख करके मोदी सरकार को क्या कहेंगे? और बाकी 2019 में किसकी सरकार बनाओगे? हम तो कह रहे हैं तो बढ़िया काम करे भैया, माफ कर रही है सबके, तो सबके होने चाहिए, बेईमान से खा देना हम तो ऐसे करिए काम करके माफ करो तुम। हां काम तो लो माफ कर देते करो तो फिर आपकी नजर में, आपकी नजर में जो किसानों के लिए ये राहत दी गई थी तो क्या ये माफ करना भी चाहिए या नहीं? माफ करने चाहिए, करने चाहिए। तो अगर इसी तरीके से सभी किसान सोचने लगे हैं कि अभी लोन ले लिया अगली बार सरकार आएगी तो फिर माफ हो जाएगा, तो इस तरीके से किसान ले ही जी रहे और वो ले ही किसान ले रहे ले रहे वाले के माफ है, किसान का लोन ले रहे हैं, जन्ना माफ है, बकाया पड़ी है, उन्हें की सरकार को सोचेगा हमारी माफ है, अब हम जो ले लिया लोन हम जो सोच रहे हैं कि सरकार आ गई हमारा माफ करेगी, अच्छा बकाया पड़ी है। तो एक तरह से मतलब किसानों की आदत खराब कर रही है मोदी सरकार की, अब हमें हमारी लोन माफ कर दे तो हम मोदी के रख लेंगे। अच्छा तो अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की, मोदी जब मोदी कांग्रेस सरकार ने कार्य तो किया है, तो उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे, हम बढ़िया कहेंगे, जैसे काम कर रही है सरकार तो बढ़िया ही है।